नमस्कार, मैं रोशनी खंडूरी, जेपी वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज जो है यहाँ पर 2 अक्टूबर का जो दिन है अंकिता के लिए आज जो है उत्तराखंड बंद का ऐलान किया गया है। और मेरे पीछे से आप देख सकते हैं इस वक्त शहीद स्थल से यहाँ पर जो है ये मार्च निकाली जा रही है। गांधी पार्क तक ये लोग जाने वाले हैं। और इस 2 अक्टूबर को 1994 में मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, आप सभी जानते होंगे। इसके साथ ही अंकिता समेत 22 सालों में जो बहु बेटियां हैं उनको उत्पीड़न और हत्या के दोषियों के खिलाफ न्याय दो जवाब दो यात्रा आज की जा रही है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की तरफ से ये किया जा रहा है। आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ आपका मकसद है, क्या कुछ होने वाला है? देखो, आज का दिन तो हमारे लिए काला दिन है। वो तो पहले हम आज 26 साल से हम इसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन आज जो नया मोड़ जो आया है अंकिता हत्याकांड में, वो हमारे लिए एक और ही ज्यादा भयंकर दिन है। और हम अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आज सड़कों पर हैं। आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ मकसद है आप? जो हम जिसके लिए नारा लड़ रहे हैं, अंकिता भंडारी हमारे उत्तराखंड की एक बहुत हमारी बेटी समान है। और हमने इस लड़ाई को आगे तक बढ़ाना है, क्योंकि जब तक उसके हत्यारों की सीबीआई जांच नहीं होगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये हमारा पूरी सरकार को और हमारा कहना है कि अंकिता के हत्यारों की सीबीआई जांच कराना जरूरी है। तो अंकिता के हत्यारों को जो है सीबीआई जांच के लिए मांग कर रहे हैं और उनके हत्यारों को जो है फांसी की सजा हो, सीबीआई जांच हो, लगातार उत्तराखंड की जनता की यही मांग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और आज गांधी पार्क तक ये जो मार्च है ये जाने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। हाँ जी, आप यहाँ पर पहुँचे, क्या कहेंगे? हाँ जी, अंकिता के विषय में क्या कुछ कहेंगे? अंकिता उत्तराखंड की बेटी है, वो कोई आम बेटी नहीं कि हर कोई यहाँ के दरिंदे आए और अंकिता जैसे बेटियों के साथ ऐसा बदसलूकी करे। मैं तो ये कहती हूँ न्याय मिलना चाहिए अंकिता के लिए। उत्तराखंड की ये आग बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए। ये सैलाब ऐसा ही बढ़ता जब तक उनको सजा न मिले। बिल्कुल फांसी तो फांसी, मौत के बदले मौत, मौत के बदले मौत चाहते हैं लोग। और उत्तराखंड की जनता एकजुट हो चुकी है अंकिता को न्याय दिलाने के लिए। आज यहाँ पर अंकिता के लिए सभी जो संगठन है एकजुट हो चुके हैं, क्या कुछ आज क्यों लेते हैं ऐसा जी बताइए। सकलानी जी हैं हमारे जनगीतकार, मैं भी बताता हूँ। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच विगत 3-4 वर्षों से न्याय दो जवाब दो यात्रा निकालता है मुजफ्फरनगर दोषियों के कांड के लिए। आज हम एक तरफ बापू को याद कर रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री को याद कर रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अभी मुजफ्फरनगर दोषियों की इसलिए सजा तो मांग ही रहे थे, ये अंकिता जो एक बीच में जो जिस प्रकार का हत्याकांड हुआ, उस बिटिया के साथ जो हुआ, उसकी शहादत जिस प्रकार से इस प्रदेश को दी, उसकी शहादत ने इस प्रदेश को लोगों को एका करने का काम किया। आज लोगों को मालूम महसूस हो रहा है कि वाकई में हम लोग जो मूल निवास, भू कानून, स्थायी राजधानी, अपने जल जंगल जमीन को लेके बात करते थे, कहीं ना कहीं उस अंकिता भंडारी की शहादत, मुझे लगता है कि लोगों को उस शहादत का परिणाम सकारात्मक देना चाहिए इस प्रदेश के हित में। और हम पूरी सरकार के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ और उन तमाम जनता से अपील करते हैं कि उनके लिए आप फांसी दिलाने के लिए आप भरसक प्रयास करें, पुरजोर कोशिश करें। जहां पे लूज पोल हुए हैं उसको सरकार या ब्यूरोक्रेसी स्वीकार करे, पुलिस स्वीकार करे और उसको दुरुस्त करने का काम करके उनको सजा दिलाने के लिए, फांसी दिलाने के लिए लामबंदों के काम करें।
उत्तराखंड में अंकिता को लेकर के आए दिन नए अपडेट आ रहे हैं, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई नया नाम निकल करके सामने आ रहा है जो इस बारे में नई नई बातें कह रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि अंकिता के हत्यारों को फांसी हो पाएगी? देखिए, आपने स्वयं ग्राउंड जीरो पे जाके, मैं आपको देख रहा था कि आप कितनी बारीकी से, आपका चैनल, आप लोग कितनी बारीकी से उसको लेके आप वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, एक एक चीज को आपने भी अनुभव महसूस किया। मुझे इस बात की वाकई में पीड़ा है कि पुलिस से एक मिस्टेक तो ये हुई है कि जैसे ही कोई घटना, सामान्य तरीके से दो स्कूटर भी टकरा जाते हैं तो उसको रेड रिबन कर दिया जाता है कि ये नो एंट्रेंस जोन रहेगा, और मैंने देखा कि उस घटना के बाद ना कोई एरिया सील किया गया, ना रेड रिबन जोन किया गया। एक तरफ हम टीवी में सावधान इंडिया, क्राइम इंडिया, न जाने कौन कौन सा इंडिया देख रहे हैं, और उधर दूसरी तरफ हमारी जो एक्सपर्ट पुलिस है, एक्सपर्ट हमारे लॉ एंड ऑर्डर वाले हैं, वो इन चीजों से अनभिज्ञ कैसे रह गए? क्या भावेश में चूक हो गई? क्या वाकई में किसी जन नेता या सरकारों का दबाव था या किसी और बड़े उसका दबाव था? इस पे वर्कआउट करने की जरूरत है। इसीलिए हम सब लोग ये मांग करना चाहते हैं प्रदेश के लोग से लेके, वो अंकिता पूरे प्रदेश की बेटी नहीं, पूरे जो है इंसानियत की बेटी थी, इसीलिए हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं। वो एक एक बाल को उखेड़ के निकालेगा, और मैं समझता हूँ कि जो दोषी है वो ऑलरेडी इतने तो है ही है, लेकिन इनके पीछे जो जाल बुना हुआ था कहीं ना कहीं वो भी उस लपेटे में आएंगे। अभी सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है वो ये है कि पहले कहा गया कि अंकिता ने जो है गुस्से में आकर के पुलकित का फोन नहर में फेंक दिया था, लेकिन अभी जो खबर सामने आई है वो ये है कि पुलकित का जो फोन है अंकिता की डेथ के 2 घंटे बाद भी एक्टिव था, और कहीं ना कहीं ये शक के दायरे में भी बात आ रही है कि अंकिता की जो हत्या है शायद रिजॉर्ट में कर दी गई थी और उनको ठिकाने लगाने के लिए नहर में ले जाया गया था। जो अंकिता गई थी वो जिंदा अंकिता नहीं बल्कि अंकिता की जो हत्या है वो रिसॉर्ट में ही हो चुकी है, तो क्या लगता है? देखिए, मैं निश्चित रूप में पिछले 4 दिन से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि प्रदेश के अंदर बद्री केदार अपने आप कुछ मैटरों को अपने आप सुलझाने में मदद कर रहा है। जहाँ पुलिस चूक कर रही है तो तब तक कोई नया मैसेज लीक हो जा रहा है, जहाँ हमारी दूसरी एसआईटी से अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है तब तक कोई नया गवाह पैदा हो जा रहा है। तो ये बद्री, ये देवभूमि है, ये बद्री केदार की कृपा है कि उस अंकिता के साथ न्याय होगा, और मुझे पूरा विश्वास है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से उस न्याय विभाग से भी अपील करना चाह रहा हूँ कि आप न्याय विभाग सोमवार को लेता है कई मामलों में, इस मामले में सोमवार क्यों नहीं लिया गया, कि क्यों वहाँ पे देरी हुई, क्यों वहाँ उस जगह पे नहीं जा पाए, कई चीजों को लेकर ये था कि भाई तत्काल तरीके से करना चाहिए था। और मैं आपके मुख्यमंत्री से अपील करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी आप 1-to-1 करके अधिकारी ब्रीफिंग दें, ब्रीफिंग दें ताकि जो है इसमें आउटपुट जल्दी निकलेगा। निश्चित रूप में इस बात की भी पीड़ा है, इस बात की पीड़ा है कि कहीं ना कहीं जो ईमानदारी से व्यक्ति पूरे नॉर्म्स के साथ रिजॉर्ट चला रहा होगा, कहीं ना कहीं वो भी इस घटना से आतंकित हो गया है, और जिस प्रकार से इस घटना के बाद जिला प्रशासन से लेके तमाम प्रदेश अंदर ये लामबंदी चलाई जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये उस व्यवस्था पे, उस अथॉरिटी पे कहीं ना कहीं सवाल खुद ही खड़े कर रही है। इसमें सरकार की कितनी कर दी उन्होंने, एक साथ छापे मार कर तो सील कर दिया, छोटे छोटे मानकों में किसी कमी थी, जो छोटे छोटे उनको आप अब तक ट्रेस नहीं पाए, तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्था चूक है कि वो तरीके से उस में काम करते हैं। आप पब्लिक को क्या दिखाना चाह रहे हैं? पब्लिक में सलाह किया कि इसका मतलब आप जो आग बंद करके बैठे रहे और हजारों रिसोर्ट जो खुल गए जिसमें से कुछ जो है मेहनत के साथ अपने रिसोर्ट जिन्होंने खोले थे वो हुए बैठे हैं। हर आदमी की अप्रोच नहीं होती, हर आदमी के पास एक्सपर्ट नहीं होती, जितना दूसरे ऊपर जो है रिसोर्ट खोले हुए हैं। और अभी कल मैं देख रहा था कि कल कैसे इतना लोगों ने पुलिस चौका छोड़ के लोग अपने जो है ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे
में होती रही है, निर्भया कांड हमने इतना देखा और इतना इंतजार किया, उसके बाद हीरो को फांसी हुई, तो क्या लगता है अंकिता के लिए इस उत्तराखंड को कितना इंतजार करना पड़ेगा अंकिता नगलानी? मैं अपने आत्मा से विश्वास मान के चल रहा हूँ, मुझे एक खुशी इस बात की है कि निर्भया को 7 महीने के अंदर न्याय मिलता है, 8 महीने में न्याय मिलता है, और दुख इस बात का है कि 28 साल के अंदर मेरे मुजफ्फरनगर गोलीकांड के, मसूरी गोलीकांड के, गोलीकांड के, देहरादून तमाम गोलीकांड के दोस्तों को सजा नहीं मिल पाई, कहीं कहीं पीड़ा है। मैं कहती हूँ, मैं फिर दुखी में प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो भी जुडिशियल स्टेट को देखेगी, जो भी जज को देखेगी, वो आंख बंद करके सिर्फ 30 सेकंड के लिए उस अंकिता का मनन करे। मैं समझता हूँ फांसी की सजा तो जिला न्यायालय से हो जाएगी। अंकिता के हथियार हैं, उनको फांसी दिलाने के लिए उत्तराखंड एकजुट हो चुका है और सभी लोग जो है ये मांग सरकार से कर रहे हैं कि अंकिता के हथियार को फांसी दी जाए, सख्त से सख्त सजा हो और जल्द से जल्द। इसके लिए आज देखा कि गांधी पार्क तक ये जो मार्च है जाने वाली है, जिसमें सभी संगठन एकजुट हो चुके हैं। अभी आ गया यह अंकिता को न्याय दिलाने में हर प्रयास।